जय श्रीकृष्ण। वैश्व मंडल में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उत्तराखंड समाज भी इससे अछूता नहीं है। कर्णपुरा में उत्तराखंड दिवस समाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें कर्णपुरा और आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें योग के फायदे बताए गए। आइए देखिए कर्णपुरा से हमारी खास रिपोर्ट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्यारह, बारह, वापस रिलैक्स, वापस आ, ठीक है। सबका पेट का मोटापा, साइड का मोटापा, सबके अंदर ऊर्जा है। और मैं कहता हूँ आज ऊर्जा भर के ले जानी आपने, यहाँ इतनी अच्छी क्रियाएं जो कर रहे हैं, ये जितने तमाम तरह आइए उधर आ जाइए, आप आ जाइए बेसिक। चलो खड़े हो जाओ सब लोग, सब एक बार पहले मैं बोलूंगा, उसके पश्चात आप लोग बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, हथेली का रुख सामने की तरफ, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए, सांस भरते हुए तनिक दाहिने पैर को पीछे ले जाएं। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। पैर पीछे ले जाएं, आगे से पूरा धकेल दें, हथेलियों पे शक्ति का प्रयोग करें, आगे से प्रयास करें। अड़िया आसन से पीछे की तरफ खींची हुई, ऊपर उठा के रखे, तन का सार जागृति कुंडली जो करे योग तुझे नमस्कार। राम लाल जिसका किया कलयुग में ओ सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा जो कारण है सबसे पहले कि हमें सबको जागृत करना योग से। पिछले कई हम जो है 2014 से हम यहाँ पे योग करते हुए आ रहे हैं, सभी को जागरूक करते जा रहे हैं हम यहाँ योग के माध्यम से। और हम कई कार्यक्रम पिछले 2014 से करते हुए आ रहे हैं। वैसे मैं इस योग में बचपन से जुड़ा हूँ, इस योग करने से। आप संदेश देना चाहिए कि योग करें, रोग दूर करें, यही एक पर्पस है या कुछ और भी इसका रहता है? इसके अलावा जो है ये तो जरूरी है। आज के जो है मैं देख रहा हूँ युवा पीढ़ियों को तनाव भी है, योग के माध्यम से घर में सबको रहते हैं, पर मेरे ये माध्यम है कि सभी योग करेंगे, अपने रोग को भगाएंगे और मन के मानसिक रूप से वो जो है आध्यात्मिक रूप से जो है सशक्त रहेंगे। खान पान में आप उम्र के अंदाज में क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह का? ये कहना चाहूँगा जो जैसे भी है कि खाने पीने का विशेष जो है हमें संतुलन रहना चाहिए। जैसे बाहर का भोजन, जैसे आजकल जंक फूड चल रहा है, वेस्टर्न कंट्री का हमारा जंक फूड चल रहा है, तो उसके समय अवॉइड रहना चाहिए। हमें संतुलित आहार रहना चाहिए, उच्च आहार रहना चाहिए, हमें उच्च विहार से रहना चाहिए हमारे को। और मैं युवाओं को तो कहते हैं कि उनको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान चाहिए। जो 40 के पार हो जाते हैं मैं उनको कहता हूं कि रात्रि का भोजन छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दो टाइम का भोजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिससे हमें प्रेरणा मिली, सन 2014 से हम लोग इस योग में आकर के उपस्थित हुए और चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे भाई आए उनको भी योग में शामिल होना चाहिए और योग करें और हमेशा निरोग रहें। जैसे हम लोग स्वस्थ हैं, हम चाहते हैं हमारे जितने देशवासी हैं सब लोग स्वस्थ रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योग का पूरा इंटरनेशनल जो भी उन्होंने किया उसके लिए हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। सर आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए पूरे देश के साथ पूरे विश्व को
इस योग दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग योग करें जिससे स्वयं निरोग रहें, क्योंकि इसमें हम विश्व में सबसे युवा देश हैं। ये युवापन हमारा बरकरार रहे, और वो बरकरार तभी होगा जब हम निरोगी रहेंगे। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।